नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि बता दें, कल आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ नवोदय विद्यालय का। ठीक इसके बाद दोस्तों, आपका केंद्रीय विद्यालय KVS और UGC नेट और UPTGT 2020 की तैयारी के लिए फिर से इस चैनल पर क्लासें चलेंगी। दोस्तों, जिस तरह आपने केंद्रीय विद्यालय के लिए बहुत मेहनत की और बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे वीडियो देखे और बहुत सारी मेहनत की आपने, ठीक दोस्तों, अब आपको केंद्रीय विद्यालय और UGC नेट और UPTGT की भी तैयारी करनी है। इसलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को क्लोज मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी आपने जस्ट एग्ज़ाम दिए हैं, तो दोस्तों आपके लिए कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एलनगंज प्रयागराज, दोस्तों जो UPTGT का नोटिफिकेशन अक्टूबर पे आएगा और उसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है फॉर्म भरने की, और दोस्तों जो इसका एग्ज़ाम्स होगा वो मई 2020 में होगा। दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले सबसे पहले उसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हम बिना पाठ्यक्रम के कोई भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब तक दोस्तों हमको मालूम नहीं होगा कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और कैसा पैटर्न रहेगा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने 2020 में जो UPTGT का पेपर होगा उसमें फिजिकल एजुकेशन्स का जो सब्जेक्ट है कोड नंबर 16, उसमें क्या क्या आएगा वो आपको बताऊंगा। फिर इसी को देखते हुए दोस्तों, मैं जो थ्योरेटिकल वीडियो और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड बनाऊंगा, ताकि आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जा सके। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ कल से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड थ्योरी क्लासे आपको ज़रूर मिलेंगी, और दोस्तों आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि दोस्तों आप जब एग्ज़ाम्स देकर आएंगे तो दोस्तों यही बोलेंगे कि सर, आपके वीडियो से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। दोस्तों, यदि आपको भरोसा नहीं है तो मेरे जो लास्ट वीडियो डाला था सुबह 10 बजे, जिस दिन एग्ज़ाम था केंद्रीय नवोदय विद्यालय का, उसको यदि आप क्वेश्चंस को ओपन करेंगे, 50 क्वेश्चनों में दोस्तों 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, सेम सेम क्वेश्चन भी आ गए हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि पढ़ाई ऐसी करिए कि आपको थोड़ा सा महत्व पता चले। इसलिए दोस्तों चलिए बढ़ते हैं पाठ्यक्रम की ओर। प्रतिष्ठित स्नातक विषय शारीरिक शिक्षा, दोस्तों यहाँ पे जो सिलेबस आएगा, पहला है फिजिकल एजुकेशन के सिद्धांत तथा शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है डिफिनीशंस, उद्देश्य, लक्ष्य, शारीरिक, जैविक आधार, वंशानुक्रम एंड वातावरण, इसके बाद सेल्डन तथा क्रैस्मर का वर्गीकरण, सामाजिक आधार, परिवार, समुदाय, विद्यालय, व्यक्तिगत अंतर, प्रेरणा, सीखने के सिद्धांत, सीखना स्थानांतरित करने का नियम शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में। इसके बाद दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के संगठन विधि एवं पर्यवेक्षण, संगठन का अर्थ और प्रशासन, शारीरिक शिक्षा के महत्व। इसी के दौरान दोस्तों आपको आगे समय सारणी का वित्त, बजट, विधियां, अर्थ, महत्व, प्रभावित करने वाले तत्व, निर्माण प्रतियोगिता और खेल कूद समारोह, लीक, नॉकआउट, इंट्रा मोरल, एक्स्ट्रा मोरल, ये दोस्तों एक यूनिट है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट यूनिट है वो है कोचिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोचिंग, जिसमें से आपको खेल कूद मैदान के इतिहास एवं विकास, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, दौड़ कूद के खेल मैदान का आकार एवं चिन्हित करना, नियमों तथा अधिकारियों का कर्तव्य, कोच का व्यक्तित्व गुण, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों शरीर संरचना यानी एनाटॉमी, शरीर की संरचना की व्यवस्था, शरीर में मांसपेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स, इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन, इसके बाद दोस्तों श्वसन तंत्र, पोषण तंत्र, पाचन तंत्र, त्वचा, आँख, कान, व्यायाम का रक्त संचार और श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। इसके बाद दोस्तों जो खेलों में चोट, स्ट्रेन, स्प्रेन, लिगामेंट्स की चोटों से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स की डिफिनीशंस, शरीर एवं जोड़ा की रचना, टाइप्स ऑफ जॉइंट, लिगामेंट। इसके बाद दोस्तों मसाज, जो इलेक्ट्रोथेरेपी, इसके बाद दोस्तों फिर हेल्थ एजुकेशंस,
एंड इसके बाद उसमें संक्रामक रोग, पर्सनल हाइजीन और भी अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं उनकी समस्या संतुलित आहार। दोस्तों जो लास्ट रहेगा वो है दोस्तों मनोरंजन के लिए कैंप लगाना, मनोरंजन की परिभाषा, विषय क्षेत्र, महत्व, योजना, नियोजन, नेतृत्व, कैंप के प्रकार, कैंप की स्थिति, कार्यक्रम एवं मूल्यांकन। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा में शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण संस्थान, खेलकूद और पुरस्कार। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट सिलेबस है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने बनाया हुआ है। इसी के आधार पर दोस्तों आपका पेपर बनेगा। तो दोस्तों इसमें 4 यूनिट हैं, हम 4 यूनिट को देखते हुए दोस्तों वीडियो अपलोड करेंगे UPTGT 2020। और दोस्तों इसी के साथ एक वीडियो अपलोड होगा KVS 2019 केंद्रीय विद्यालय का, TGT लेवल का, जो उसका भी सिलेबस जल्द ही मैं अपलोड करूँगा। फिर इसके बाद उसकी भी क्लास स्टार्ट होगी। एक वीडियो UPTGT और एक वीडियो केंद्रीय विद्यालय का अपलोड होगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ UGC नेट की भी तैयारी के लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच सके।